नमस्कार, आप देख रहे हैं विद्रोही अनंत। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आई रुक करते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश की तमाम बड़ी खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। कोरोना संकट पर संसद का विशेष सत्र बुलाने को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। कांग्रेस प्रवक्ता अशोक सिंह ने सरकार से जरूरत की चीजों के दामों को नियंत्रित करने और मिलावटखोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। लगातार 1.5 वर्ष से कोरोना की महामारी से सब लोग परेशान हैं, मगर जिस तरीके से कालाबाजारी हो रही है, चाहे वो दवाओं की हो चाहे खाद्य सामग्री की हो, सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। आखिर कालाबाजारी क्यों हो रही है? आखिर दाम अचानक क्यों बढ़ रहे हैं? जिम्मेदारी किसकी है? जवाबदेही किसकी है? तमाम बार हम कह रहे हैं कि आखिर कालाबाजारी क्यों हो रही है? दवाओं की कालाबाजारी हो रही है, जो दैनिक वस्तु हैं उनकी कालाबाजारी हो रही है। कांग्रेस पार्टी योगी सरकार से मांग करती है और निवेदन करती है कि इस महामारी में अवसर न ढूंढिए, इस कालाबाजारी को रोकिए। आखिर आम आदमी को जीने का अधिकार है कि नहीं? जिस तरीके से महंगाई चरम सीमा पर बढ़ रही है, कालाबाजारी चरम सीमा पर बढ़ रही है, जिम्मेदारी किसकी योगी जी? उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता आपसे सवाल कर रही है। शुभेंदु अधिकारी बने बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता, कहा बंगाल में लोकतंत्र की बहाली के लिए काम करूंगा। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलीगंज पहुंचकर कोविड-19 संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिए चलाए जा रहे डोर टू डोर ट्रैकिंग टेस्टिंग ट्रीटमेंट अभियान की समीक्षा की। आजमगढ़ के जिलाधिकारी राजेश कुमार ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज स्थित इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर का किया निरीक्षण। कोविड इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया गया है। यहाँ पे व्यवस्थाएं जो है सुदृढ़ रहे और हर टीम कैसे काम कर रही है उसका पूरा निरीक्षण किया गया है। हमारे यहाँ करीब 200 से अधिक कर्मचारी अधिकारीगण इसमें लगे हैं, जो कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, निगरानी समिति की मॉनिटरिंग की साफ सफाई होनी है और होम आइसोलेशन में जो हमारे पेशेंट्स हैं उनकी स्वास्थ्य की जानकारी लेना, वो सब सुनिश्चित कर रहे हैं। साथ में जो ग्रीवांस सेल पे जो भी शिकायतें आती हैं उनको भी मॉनिटर करके उनको उसके ग्रीवांस का निस्तारण भी तुरंत किया जा रहा है। ये भी यहाँ पे एक शुरू किया गया है कि एम्बुलेंस जो हमें प्रोवाइड कराई जाती है उसके लिए भी एक सेल बनाया गया है। साथ में काउंसलिंग के लिए अगर कोई होम आइसोलेशन में या अदर कोई पेशेंट कोविड के बारे में काउंसलिंग चाहता है डॉक्टर से, तो वो भी लाइन्स यहाँ पर डेडिकेटली दी गई है। तो सारी व्यवस्था यहाँ पे ठीक है। कुछ जो और सुदृढ़ करने की बात थी वो सबको बता दी गई है, मॉनिटरिंग कैसे करनी है, तो सभी व्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं। और यहाँ पे हमारे पास करीब हम 20 लैंडलाइन चला रहे हैं, उसके साथ साथ करीब 100 से अधिक मोबाइल के माध्यम से संपर्क भी किया जा रहा है। तो सारी व्यवस्थाएँ सुदृढ़ हैं, उनको और सुदृढ़ किया जा रहा है और सभी की मॉनिटरिंग जो है डेली यहाँ पर की जाती है, जिसके माध्यम से कल हम आपको बताएं 2-3 चीज़ें और हम यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे होम आइसोलेशन हमारे 4,300 तक, उसमें से कितने लोगों को कोई दिक्कत आ रही है वो नोट किया जाता है। जैसे कल 61 लोगों को सांस लेने में थोड़ी दिक्कत की शिकायत आई, तो 61 लोगों को आज टीमें वहाँ जाके तुरंत वहाँ टीमें गई हैं और उनको वहाँ पे अटेंड किया है और उनको दवाई वगैरह दिलाई दी है। और अगर किसी को अस्पताल की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ भी एडमिशन सेल बनाया गया है। जो भी कोई शिकायत करे या रिक्वेस्ट करे कि साहब हमें अस्पताल की ज़रूरत है, या डॉक्टर उससे बात करते हैं और उनको अस्पताल में भर्ती कराने की व्यवस्था भी किए जाते हैं। तो पूरी तरह से एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर यहाँ पर संचालित है, जो कि तहसीलों में भी कंट्रोल सेंटर बनाए गए हैं, उनसे पूरी तरह इंटीग्रेटेड है और सभी तरह की कोविड से रिलेटेड समस्याओं को यहाँ से निदान किया जाता है। बलिया जनपद के दसड़ा के रहने वाले एक युवक ने पानी की टंकी पर चढ़कर आत्महत्या की, कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा। वाराणसी में पद्म भूषण पंडित राजन मिश्र कोविड-19 अस्पताल हुआ शुरू। मेरठ में शमशान से उठ रहे धुएं और आग से कॉलोनी के लोगों का जीना हुआ मुश्किल, वीडियो बनाकर लगाई मदद की गुहार। प्रतिमा, प्रतिमा जी, एक वीडियो वायरल की आपने, क्या वीडियो है, क्या परेशानी आपको, ये बताइए। भैया हमें ये परेशानी है, देखिए खुले में एक तो कोविड के मुर्दे जल रहे हैं, हमारा घर ये है देखो, यहाँ पर पास में मुर्दे जल रहे हैं, चिताओं की राख आ रही है, धुआं आ रहा है, स्मेल तो इतनी ज्यादा आ रही है, बच्चों का रहना मुश्किल है, बच्चे डरते हैं क्योंकि अपनी छतों से ये सब देख के वो दहशत में है। हम चाहते हैं कि ये यहाँ से हट जाए, हमने पार्षद से भी कहा था, उसने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। इस चीज को लेकर क्या आपने किसी अधिकारी से बात की है, कब से ये चल रहा है? मैंने डीएम से भी कॉल किया था, डीएम ने मेरे फोन उठाया, बाकी कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा ठीक है देखेंगे, कह के तुरंत कॉल काट दिया मेरा। अलीगढ़ में ग्लास कस्बा में हुई बैंड संचालक की हत्या के मामले में गुस्साए लोगों ने मेन चौराहे पर बैंड बाजे खड़े कर लगाया जाम।
इंस्टाग्राम पर बैन होने का कंगना रनौत को बेसब्री से इंतजार, बोली कभी पसंद नहीं था प्लेटफॉर्म, सम्मान की बात होगी। आजमगढ़ के अतरौले थाना क्षेत्र के दुर्गापुर बड़िया निवासी आकाश की करंट लगने से हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। का पूरा नाम? मेरा नाम नितेश सिंह है, ग्राम दुर्गापुर पोस्ट बढ़िया जिला आजमगढ़। जी सर, ये घटना कैसे हुई यहाँ पे, कैसे क्या? वो एक बैग आधी आ गई थी, लगभग 3 बजे आधी आई थी, तो आधी आई तो करकट उड़ रहा था, तो करकट वो पकड़ने गया, वो करकट पकड़ने गया, ऊपर उसके तार था, उसमें बिजली नहीं थी, वो तार लगा था करकट में, करकट में वो तार लगा था और ऊपर बिजली का तार था, बिजली का तार शायद करकट में करंट आया, करकट में करंट आया और उसका हाथ जो है करकट से टच हो गया। यहीं पे हुआ है? हाँ यहीं पे हुआ है। जी चाचा अपना? विनोद सिंह जी, राम दुर्गापुर जी, पोस्ट बढ़ा जिला आजमगढ़ जी। सर कैसे घटना हुई है? ये बिजली आ गई, एक बार लाइट कटी थी, फिर दोबारा आ गई जी, आधी मारा हो जी, और उसमें करकट में सट गया, उसका हाथ पकड़ लिया उसमें। फिलहाल अभी इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देश दुनिया की ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विद्रोही आनंद। हर खबर पर होगी आपकी पकड़, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।